श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। तीसरा प्रकरण, रे प्रियमा मगा सो लाड करे। प्रियम प्रियतम धनी, धाम के धनी, उनके लिए कह रहे हैं। मगा सो लाड करे, मगा मांगती हूँ, सो वह, अब जो पहले भी बताया, हमारी इतनी ही आशा है कि हम आपके दर्शन करें, आपसे मिलें। पहले वाले प्रकरण में ये बात बताई थी, तो यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं। मग्गा सो लाड करे, तो हम लाड करके प्रेम से आपसे यही तो मांग कर रहे हैं, हम आपके दर्शन कर सकें, आपसे मिल सकें। एहड़ी कीज काम मुदसे खिलंदड़ी लगा गरे। ये कीज कहाँ है, शायद अलग अलग है, वो एक कर देना चाहिए। एहड़ी ऐसी कीज कहाँ, कर दीजिए मुझसे, मुझसे तो मेरे साथ आप ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसी परिस्थिति मेरी बना दीजिए, अथवा मुझे ऐसे जागृत कर दीजिए जिससे खिलंदड़ी लगा गरे। खिलंदड़ी मतलब खेलते हुए, हंसते हुए, बड़ी प्रसन्नता के साथ में लगा गरे, गरे लगा, आपके गले लगूं, तो मुझे ऐसे जागृत कर दीजिए, ऐसा उपाय कर दीजिए कि जिससे हम जागृत होकर के आपके, आपसे गले लग सके। तो मुके चयो तू मुह जी, हेड़ी करे निश्वत। तो मुके चयो तू मुह जी, आपने मुझे कहा था कि तू मुह जी, तू मेरी हो, मेरी का तात्पर्य, तब मेरी अंगना कहना पड़ेगा। तो हेड़ी करे निश्वत, तो ऐसा संबंध आपने बना दे, हमारे साथ बता दिया कि तुम तो मेरी अंगना हो, इस प्रकार से ऐसा संबंध आपने परिचित बता दिया, समझा दिया। तो भी धनी मुहजे धाम जा, कि हे धनी मेरे धाम के धनी, मुहजे मेरे धाम जा, धाम के धनी, आऊँ हाणे को हिन भात, हिन भत्त, आऊँ मैं हाणे अब को क्यों हिन भत्त, इस प्रकार भत भांति से भत, मैं इस प्रकार क्यों हूँ। कहने का तात्पर्य कि आपने मुझे ज्ञान दिया, समझाया और कहा कि अरे तुम सब तो मेरी अंगना हो, तो ऐसा संबंध भी बता दिया और आप मेरे धाम के धनी हैं, आपने ये सब कुछ समझा दिया, फिर भी तो मेरा, मेरी ये स्थिति, ये दशा क्यों हुई है कि हम आपको भूले बैठे हैं, आपको याद करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है। एहड़ो संग करे मुँह से अची डीनी ये संजाए, एहड़ो ऐसो ऐसा, एहड़ो संग करे मुझसे, तो आपने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाया, ये ऐसे कोई साधारण संबंध नहीं, अपनी अंगना समझना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो
अंगना कहते हैं, अतिशय प्रिय अंग, उसको अंगना कहते हैं। तो आपने तो ऐसा संबंध हमारे साथ बनाया, बता दिया, अची डीनी संझाए, और अची आकर के डीनी दिया, संझाए पहचान, हमें ज्ञान भी दिया। केवल संबंध बनाया, ऐसा नहीं है कि हमें जागृत कर, ज्ञान दे करके जागृत किया और कहा रे तुम मेरी अंगना हो। तो ऐसा संबंध समझा देने पर भी इलम डिने बेशक जो, इलम ज्ञान दिया बेशक जो, जिसमें कोई संदेह ही नहीं रहते, ऐसा तारतम ज्ञान, संदेह रहित ज्ञान ऐसा दिया, तो आओ को बैठे सही पाए ही पाए। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके भी तो भी आऊ को बैठी सो, मैं कैसे ऐसे ही बैठी हुई हूँ, अभी तक आपने आपके चरणों में जागृत नहीं हो पाई, ऐसे ही मैं कैसे बैठी हुई हूँ। इलम डिन्ने पाहिंजो अपना, तो आपने हमें अपना ज्ञान दिया स्वयं आकर के, जिमें सकना कहें, जिसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं है। डिनी संग साहेबी हित जाने जे किन संझाए, दीनी संग साहेब जी साहेबी, दीनी तो ये दिया, इस अर्थ में लाना पड़ेगा, ज्ञान दिया डिन्ने और डिनी देकर, तो इलम डिन्ने है ना, तो ज्ञान दे, अपना ज्ञान दिया, तो और उसके साथ में दीनी संग साहेबी, साहेबी भी उसके साथ में दी, अपना ऐश्वर्य से भी हमें परिचित करवा दिया, साहेबी ऐश्वर्य प्रभुत्व, तो पाताल से परमधाम तक के दर्शन करवा दिए, तो सारा पता चला ना, अरे अक्षराति धाम धनी तो कितने विशाल क्षेत्र के मालिक हैं, प्राइमा फेसी भी ऐसा ही होता है, और थोड़ी और समझ में आने लग जाती है तो लगता है कि सब कुछ तो वही है। हित जाने जे किन संजाए, हित जाने जे तो इतना जानते हुए भी किन संजाए, ये पहचान क्यों नहीं हो रही है। तो इतना सब कुछ जान रहे हैं किंतु बाहर से जान रहे हैं, तो ज्ञान से तो जान ही रहे हैं किंतु अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, पहचान क्यों नहीं हो रही है। तो ये अनुभव के अर्थ में, तो अनुभव होना चाहिए, अनुभव हो तो पूरा पूरा उसी अनुसार वो जीवन चलने लगता है। हम जान लेते हैं, जानते तो बहुत कुछ है, किंतु जब तक अंदर ना उतरे तब तक हमारे व्यवहार में वो बातें नहीं आती है। जे आऊं चाहिया दिल से दिल में, जे आऊं चाहिया दिल में, से को न करियो आई हित, जे आऊं चाहिया दिल में, आऊं का अर्थ मैं, मैंने दिल में जे चाहिया जो चाहा, अंदर से जो चाहना की, से को न करियो आई हित, तो आपने यहाँ आकर के उसे पूर्ण क्यों न किया, से को न करियो आई हित, आई मतलब आप, तो आपने यहाँ आकर के हमारी मनोकामनाएं, हम जो जो चाह रहे हैं वो पूरी क्यों नहीं की। कोठियों को न सुखन से जी थिए न उशीड़ो हित, कोठियों तो ये बुलाने अर्थ में, तो आपने क्यों नहीं बुलाया। कोठियों को न सुखन से, तो सुखन से का तात्पर्य सुखपूर्वक, तो हम बड़ी सरलता से आपके चरणों में जा सके, ऐसी व्यवस्था आपने क्यों नहीं की। जी थी न उशीड़ो हित, जी जिससे थिए ना हो, नहीं होगा उशीड़ो हित, यहाँ पर उशीड़ो, उशीड़ो बोलते हैं उदासी, उदासीपन। तो यदि आप हमें ये सब समझा देते, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देते, तो इस दुनिया में हमें उदासीनता रहती नहीं ना, तो यहाँ भी उत्साह ही बना रहता,
तो हम तो हम उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो आप दिख नहीं रहे हैं, आप कहाँ हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। मुके केयज सरखरु से लखे भाइयाँ भाल, मुके मुझे केयज किया सरखरु, समान, तो आपने मुझे अपने समान बना दिया, तो इतना बड़ा स्थान दे दिया। से लखे भाइयाँ भाल, से उसको अथवा वह, लखे लखे भाइयाँ भाल, भाल का परि उपकार, वो आपका उपकार, लखे भाइयाँ हमें लाख लाख भाया, आपने हमें अपने समान बनाया, अपने चरणों में बैठे हुए ऐसे दिखाया, तो ये तो आपने हमारे ऊपर लाख 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 उपकार किए हैं, तो हमें इतना अच्छा लगा, ये कहना चाह रहे हैं। रुए कोठे अच्छा आ अड़ू जी खिल्ली करिया गाल, तो रूहे अब वो अपनी बात कर रहे हैं कि रूहे ब्रह्मात्माओं को कोठे अच्छा तो बुला कर लेकर, इस अर्थ में अच्छा आऊं, तो ब्रह्मात्माओं को बुला करके मैं आपके पास आऊं, आ अड्डू मतलब आपके तरफ, सब ब्रह्मात्माओं को जागृत करके आपके तरफ आऊं, जी खिल्ली करियां गाल, जिससे हम खिल्ली करियां, तो खिल्ली का तो हंसी मजाक उसको बोलते हैं ना, तो इसमें तो अभी तो थोड़ा सा इंसल्ट अर्थ में बोलते हैं खिल्ली, तो ये सिंधी में खिल्ली मतलब खुश हो करके, तो निश्चिंत हो करके हम आपके साथ में बात करें, सब ब्रह्मात्माओं को बुला करके आपके चरणों में आकर आपसे बात करें खुश होकर, क्योंकि कोई चिंता फिक्र ना रहे ना, ब्रह्मात्माएं बाकी रह जाए तो वो ब्रह्मात्मा बाकी है, ऐसा होता छह ब्रह्मात्माएं आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, फिर तो हमारे दिमाग में कोई भी बोझ नहीं रहेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। डीठा मत्स्य का सोने में ही का आंझो तोई जो आए, तो एक सोने में स्वप्न में स्वप्नवत जगत में भी आपने सुख दिया, एक आंजो तो ही जो आए, तो इस दुनिया में केवल आपका ही आंजो भरोसा है। मुझसे संग के या हीन भुआ में, मुझसे का तात्पर्य मुझसे संग के या संगत किया अथवा तो संबंध बनाया, तो आपने मुझसे संबंध स्थापित किया हीन भुआ में, इस भूमि में, कौन से भूमि में, ये स्वप्न की भूमि में, जे डीए हित सांजाय, और ऐसी स्वप्न की भूमि में, जे मतलब जो, डीए दिया हित यहाँ पर सांजाय पहचान, तो ऐसे स्वप्न की भूमि में भी अपने पहचान कराकर आपने हमें अपार सुख प्रदान किया, कितना बड़ा उपकार किया है, तो इस प्रकार की प्रार्थना है। तू धनी तू कांद तू, धनी आप हैं, कांध प्रियतम वो भी आप हैं, मुंजो तो खसम मेरे स्वामी, खसम खसम का अर्थ होता है खा आकाश, आकाश के समान व्याप्त, तो सब ओर से चारों ओर से आपको ही देख सकते हैं, इस प्रकार के ऐसे आप मेरे स्वामी, ही मांगा थी लाड़ में जानी मूर रसम, ही मांगा थी लाड़ में, ही यह मांगा थी, मैं मांग रही थी लाड़ में, तो प्यार से प्रेम से मांग रही थी, जानी मूर रसम, अपना रसम का तात्पर्य संबंध रीत रिवाज, अपने मूल का संबंध, मूर रसम मूल का संबंध, मूल का संबंध समझ करके मैं आपसे ये मांग रही हूँ, मांग रही थी, कुछाइए तो कुछा थी, तो कुछाइए आप बुलाते हैं तो कुछा थी, मैं आप बुलाते हैं तो मैं बोल पा रही हूँ,
माठ कराइए तो चुप करवाने हो तो भी आप ही करवा सकते हैं, माठ चुप करवाना। तो कुछ आइए कुछ हाथी बुलाते हैं तो मैं बोल पा रही हूँ, चुप करवा देंगे तो चुप भी हो जाऊंगी। कौन पसाथी की तही मथे अब तरे थी भू, कौन पसाथी की तही, किसी को भी मैं देखती हूँ देखती नहीं हूँ। पसाथी मतलब देखना, न पसाथी कहेंगे तो नहीं देख पा रही हूँ कि तही कहीं भी। मथे अब या दुनिया में तो सिर पर आकाश है, तरे थी भू नीचे से पृथ्वी है, तो यहाँ तो यह है ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी, बाकी तो कुछ देख ही नहीं रहा है। ये सब तो सिखाई हो, ये सब आपने ही सिखाया है। आऊ मुराई अजान, तो मैं तो मूल से ही मुराई मूल से ही अजान अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं अनजान। जे कन्ने जे केई हैं से सब तुई पाण, जे कन्ने जे आप भविष्य में करेंगे, जे केई हैं जो कुछ अभी कर रहे हैं, से सब तू ही पाण, वो सब आप ही हैं। तो कि जो कुछ किया वो भी आपने, कर रहे हैं वो भी आप हैं, और भविष्य में करेंगे वो भी आप हैं। आप सब सर्व प्रकार से समर्थ हैं। आप जो सिखा रहे हैं तो उतना ही मुझे मालूम है, इस प्रकार से ये अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब एक प्रसंग को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सब तू ही पाण, से सब तू ही पाण, ए सब तो सिखाइयो, ए सब तो सिखाइयो, आओ मुराई अजान, आओ मुराई अजान, जे कन्ने जे के ये, से सब तुही पाण, से सब तुही पाण।